आज मैं दो लेफ्ट ओवर रोटी और दाल के साथ बनने वाली रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रेश एंड टेस्टी चैनल। आज फिर से मैं एक और नई रेसिपी के साथ आई हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये सुबह की बनाई हुई रोटी है और मैं शाम को ये रेसिपी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये दो रोटी और मूंग का दाल लिया है, जो 4 बड़े चम्मच मैंने मूंग का दाल लिया है। और उसको पहले मैंने भिगो दिया था 4 से 5 घंटा। इसे भिगोने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो आज इसकी ही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही टेस्टी है। यकीन मानिए, आप खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिक्सी का जार और उसमें डाल देंगे इन रोटियों को। तो इस तरह से टुकड़े करके हम रोटी को इस मिक्सी की जार में डाल देते हैं और साथ में डाल देंगे ये मूंग का दाल। इसे अच्छे से भिगो लिया है तो ये फूल चुका है और दाल और रोटी को मैंने डाल दिया और इसको पीस लेंगे। अगर आपको पीसने में प्रॉब्लम आएगी तो थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल दें। और देखिए, इस तरह से इसका पेस्ट बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है। और अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस को मिलाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हम डाल देते हैं ग्रीन चिली, यानी हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने यहाँ पे 4 बिल्कुल बारीक कट कर लिए थे उसको। और साथ में डाल देते हैं प्याज का, एक छोटा सा प्याज मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और उसको बिल्कुल चॉप कर लिया था। और गाजर डाल देंगे ग्रेट करके, आधा गाजर मैंने लिया और उसको ग्रेट करके यूज़ किया है। साथ में डाल देंगे धनिया की पत्ती को। और विंटर का सीज़न है तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, तो सब कुछ हमने यहाँ पे डाल दिया है। और अब डाल देंगे इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। साथ में डाल देते हैं नमक, स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डालें, मैंने आधा चम्मच डाला है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तिल, जो हम तिल यूज़ करते हैं खाने का तिल, वो मैंने इसमें डाल दिया है। विंटर का सीज़न है तो मैंने इसमें तिल भी डाल दिया। अगर आपके घर में सौंफ हो तो आप इसमें ज़रूर डालें, क्योंकि मेरे पास था नहीं तो मैंने इसमें डाला नहीं। आप ज़रूर ट्राई करें, उसको डाल के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है उससे भी ये। और सबको मैंने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दिया। और अब डाल देते हैं इसमें रेड चिली पाउडर, यानी कि लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, और हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है। लाल मिर्च मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत तीखा हो जाएगा और बच्चे इसे बिल्कुल खा नहीं पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए अच्छे से सबको मिक्स कर दिया है और ये बिल्कुल अब जो है बनकर तैयार है। तो लास्ट में इसमें हम डाल देंगे लेमन का जूस, यानी 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे लेमन का जूस डाल दिया है, बिल्कुल इसको तीखा खट्टा बनाने के लिए। और बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट बनकर ये तैयार हो चुका है। सबको मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया और देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी की ये बनकर तैयार हो चुकी है। तो कोई नहीं कह सकता कि ये रोटी और दाल से बना हुआ ये पेस्ट है। और अब मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले लिया है, ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देते हैं कुछ इस तरीके से करके इनको, और इसे बिल्कुल डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आप डीप फ्राई खाना नहीं पसंद करते हैं तो हमने जो पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था उसको आप स्टीम कर लें, और स्टीम करने के बाद आप उसे सैलो फ्राई करके खा सकते हैं। आप उसमें नींबू वगैरह ऊपर से डाल दें, वो भी बहुत ही ज़्यादा चटपटा और टेस्टी लगता है खाने में। तो बताइए, ये कोई देख के ये बता सकता है कि यहाँ पे ये दाल और रोटी से बना हुआ स्नैक्स है? तो कभी भी अगर आपके घर में रोटी बच जाती है तो आप उसे फेंक ना दें, किसी ना किसी तरह से करके उसे खा लें। और एक से बढ़कर एक बढ़िया सी उसकी रेसिपी बनती है। मैंने अपने चैनल पे पहले भी एक रेसिपी डाल रखा है लेफ़्ट ओवर रोटी से, तो आप उसे अगर देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। और इसी तरह से करके मैंने यहाँ पे सारे स्नैक्स को फ्राई कर लिए हैं और बहुत ही बढ़िया इससे खुशबू भी आ रहा है। तो यकीन मानिए, ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, और आपको देखकर ही इसको मुंह में पानी आने वाला है। तो रोटी और दाल से बनने वाली स्नैक्स को आप भजिए कह लो, पकौड़े कह लो, कुछ भी कह लो, पर इस विंटर में इसको खा के मज़ा ही आने वाला है। तो आप भी अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बाहर से जितना कुरकुरा क्रिस्पी है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। तो चलिए मिलती हूँ एक और ऐसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।